तब तक जनता को करने के लिए स्टार्ट है अगर आपका विटामिन में एक ही तरीके का कैरियर है तो आपको मिक्सिंग नहीं होती है। आप उसमें से समझो एक 10 किलो वाला बैग है, उसमें से इधर से 5 ग्राम, उधर से 5 ग्राम, उससे से 5 ग्राम उठा लिया तो चारों पांचों अलग अलग आपको उसका एनालिसिस मिल जाएगा। और ये यूनिफॉर्मिटी जो बोलते हैं, इसको होमोजेनाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको वो कैरियर का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। मैक्सिमम इंडस्ट्री में देखा जाए कि शॉर्टकट मारा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट डाल के, विटामिन के साथ कैल्शियम कार्बोनेट डालो, ब्लेंड करो, दे दो, सस्ता सुंदर टिकाऊ, ऐसा बोल के वो बेचा जाता है। लेकिन विटामिन के लिए ये रूल नहीं है। आपको कुछ विटामिन के लिए ऑर्गेनिक कैरियर चाहिए, कुछ विटामिन के लिए इनऑर्गेनिक कैरियर चाहिए। और ये कैरियर का इंपॉर्टेंट मैंने पहले बोला, आप कितना डाल रहे हो, 250 ग्राम से लेके 500 ग्राम एक टन फीड में डाल रहे हो, मतलब आप कितना, एक केजी में कितना आता है आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर आपका ये कैरियर सही नहीं है और अगर आपका मिक्सिंग सही नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आपको ओवर द पीरियड आप कंटिन्यू कर रहे तो ये सब जो अभी हमने देखे ना स्लाइड 1 और 2 में, ये कहीं ना कहीं नोटिस होते हैं प्रॉब्लम्स, वहीं ग्रोथ नहीं आती, इस बार बैच थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब ये सब चीजें। तो ये यूनिफॉर्मिटी आने के लिए, ये जो भी पैरामीटर्स है उसको ये सही ढंग से जाने के लिए अपने को इसकी जरूरत है। देन इनएडिक्वेट और फॉल्टी स्टोरेज कंडीशन, ये भी बहुत जरूरी है। आपका अगर विटामिन प्रीमिक्स स्टोर अच्छी तरह से ना किया गया हो तो उसमें से भी विटामिन की लेवल धीरे 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 नीचे आती है, तो आपने को भी अपने फीडमिल लेवल पे थोड़ी सी ध्यान देना जरूरी है कि जब आप लॉन्ग टाइम पे स्टोर करना चाहते, पर्टिकुलरली समर सीजन में 1 महीने, तो उस समर सीजन में ज्यादातर अपने पास ज्यादा स्टॉक मेंटेन नहीं रखना चाहिए। फीडमिल में आपका स्टोर हाउस या वेयर हाउस वहां पे रह रहा है, वहां पे थोड़ा सा एसी वगैरह है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन फीड मील कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन या 1 महीने का स्टॉक वहां पे रखो। ज्यादा दिन का अगर स्टॉक रखोगे तो धीरे धीरे वो विटामिन की भी पोटेंसी या मतलब उसकी ये कम हो जाती लेवल। उसके बाद नो इंडिविजुअल क्वालिटी टू एनहांसमेंट एंड नो इंटरमिक्सिंग, मतलब ये एक प्रोडक्शन लेवल के दो पैरामीटर्स है जो आप प्रोडक्शन करने के टाइम पे अलग अलग लेवल से सैंपल लेके अपने को टेस्ट करना पड़ता है। Why quality vitamin premix? मैंने अभी बातों में ऑलरेडी बोल दिया, ये देखिए आप कितना यूज करते हैं, 250 से 500, उसमें से ये 250 से 500 कम से कम 1 टन फीड में जाएगा और 8000 कमर्शियल बर्ड्स ये खाते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर आपने 120 वाला हायर साइड लिया, मैंने अपना फीड कंजम्पशन तो 95 से लेकर 105-110 तक ग्लोबल ट्रेंड आप देखोगे ना प्रोबायोटिक का, ये धीरे धीरे ईयर बाय ईयर अभी ऐसा ट्रेंड बढ़ते जा रहा है और एक्सपेक्टेशंस ऐसा है कि आने वाले दिनों में ये प्रोबायोटिक का ट्रेंड और बढ़ेगा। रीजन क्या है इसके पीछे, ये ह्यूमन में भी हुआ, कोविड के बाद ह्यूमन में भी प्रोबायोटिक यूसेज बहुत बढ़ा है। अभी लोगों को रियलाइज हो चुका है कि गट हेल्थ इज अ की फॉर यूर ओवरऑल बॉडी हेल्थ, उसके बाद सभी लोगों ने अलर्ट हो चुके। अब आपको घर में, हर घर में देखो जब प्रिस्क्रिप्शन देखते हो ना डॉक्टर का, उसमें एक प्रोबायोटिक रहता ही है। कोई भी आपको एंटीबायोटिक देना हो गया तो डॉक्टर के पास जब फॉलो अप के लिए आप जाते हो तो देखो एक प्रोडक्ट प्रोबायोटिक का रहता है। बहुत सारे केसेस में जो कंपेटेबल प्रोबायोटिक है वो तो साथ में देते, अगर आपको लग रहा है कि कोई कंपेटेबल नहीं है, एंटीबायोटिक बहुत हायर में है, तो वो बंदा बोलता है कि फॉलो अप में आने के टाइम पे मैं लिख के देता हूँ। क्या रीजन है इसका, बेसिक रीजन ये है कि प्रोबायोटिक का और गट हेल्थ का बहुत गहरा रिश्ता है। ये पुराना रिसर्च है, अपने एंसेस्टर भी करते आ रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग कर्ड लेते हैं, कर्ड में क्या है, नेचुरल प्रोबायोटिक ही है। योगर्ट में क्या है, नेचुरल प्रोबायोटिक। कंपनियां जिसने पहले ट्राई किया था कि गवर्नमेंट को कन्विंस करे कि हम लोगों को ये इंडस्ट्री की जरूरत है, हमें इसकी परमिशन दे दो, तो वो क्या हो गया कि वो ही कंपनी को टारगेट किया गया कि वो आप लोग इलीगल काम कर रहे हो, आप कंपनी इंडस्ट्री के अपोजिट में जाके काम कर रहे हो, तो इस तरीके का हो गया। अभी बाद में गवर्नमेंट का अभी प्रपोजल डाला था, लेकिन उसमें कम से कम 3-3.5 साल गए,
गवर्नमेंट ने इसकी तरफ जितना जल्दी आसानी से अपने को परमिशन नहीं दी, लेकिन अपना अभी अच्छा लक ये है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अभी सब लाइन क्लियर कर दिया है, तो मेरे ख्याल से अभी अच्छी अच्छी कंपनी अभी जो पीछे से वहां पर लाए थे, दिल्ली गए थे, हम भी गए थे, तो उन्होंने कहा अभी जो कुछ वैक्सीन है जो पोल्ट्री के लिए या उसके लिए जुड़े उनको हम रिकमेंडेड करने के लिए, और अभी अपना भी मतलब मैं अभी गारंटी के साथ नहीं बोलूंगा, लेकिन अपना भी ग्रुप का अभी वर्किंग ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, और इस तरीके का अभी ये स्टैंडर्डाइजेशन जब हो जाएगा तो हमारे क्षेत्र में आ गई है, पानीपत में आ गई है, करनाल बच गया, करनाल में आने वाली है, चढ़ा नहीं, ये सही है, आप जो कह रहे हैं कि हम लोगों को कैसा रहता है, इतना सवेरे से शाम तक बैग लिए बैठे नहीं, और जितने दवाई बेको बढ़ा रही इनको फार्मो का नाश फार्मो का बात करने वाले यही है, सारा दिन बेले रहते हैं ना किसी को अच्छी तनख्वाह मिला अच्छे से फार्मर को जाए बोलो क्या हाल है फार्मर का इथिकल प्रैक्टिसेस करना जरूरी है।